हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सही वक्त का इंतजार। गोपू के दिमाग में फिर से बिजनेस शुरू करने का भूत सवार हो जाता है। वो अपने पापा के पास जाकर उनसे कुछ पैसे मांगता है ताकि वो बिजनेस शुरू कर सके। पापा जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। कौन सा बिजनेस शुरू करने का प्लान है गोपू? अभी तक तो सोचा नहीं, पर एक बार पैसे होंगे तो कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। गोपू की बात सुनकर उसके पापा को पूरा विश्वास हो जाता है कि गोपू अभी बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है। उनके बहुत समझाने पर भी जब गोपू नहीं मानता तो वो गोपू को कुछ पैसे दे देते हैं। अब गोपू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। बहुत सोच विचार करके वो अंडों का बिजनेस शुरू करने का प्लान करता है। वो अंडे ले आता है और उन्हें बेचने लगता है। शाम तक उसके कुछ अंडे बिक जाते हैं। काफी थका होने के कारण गोपू अंडों को घर के बाहर ऐसे ही छोड़ देता है। अगली सुबह जब गोपू उठता है तो सारे अंडे गायब हो चुके होते हैं। बहुत खोजने के बाद भी उसे अंडे नहीं मिलते। कुछ देर बाद वो उदास पेड़ के पास कुछ सोचता रहता है। तभी वहां से चिकी गुजरती है। क्या हुआ गोपू, बहुत उदास दिख रहे हो। गोपू चिकी को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं गोपू, बिजनेस में फायदा नुकसान तो लगा ही रहता है। गोपू कुछ सोचता है और कहता है, चिकी मेरे पास अभी कुछ पैसे बचे हैं, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मैं कुछ दिनों में लौटा दूंगा। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती गोपू, ये लो पैसे। चिकी से पैसे लेकर गोपू अपने अगले बिजनेस का प्लान करने लगता है। वो सोचता है, अंडों का बिजनेस ठीक नहीं है, क्यों ना इस बार मैं मुर्गियों का बिजनेस करूं। ये सोचकर गोपू कुछ मुर्गियां ले आता है। क्योंकि अब शाम हो चुकी थी, गोपू सारी मुर्गियों को एक पिंजरे में बंद करके सोने चले जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो सारी मुर्गियां मरी हुई होती है। ये सब देखकर गोपू के पापा बताते हैं, रात में हमारे यहाँ काफी ठंड थी और तुमने इन मुर्गियों को बाहर ही छोड़ दिया, इसीलिए ये सारी मुर्गियाँ मर गईं। गोपू को अब बहुत दुख होता है, पर वो अब कर भी क्या सकता था। जब ये बात गोपी को पता चलती है तो वो गोपू को सहानुभूति देने उसके पास आती है। तभी गोपू गोपी से कहता है, गोपी मैं कभी बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे नसीब में बिजनेस करना है ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो गोपू, बिजनेस में फायदा नुकसान तो लगा ही रहता है। गोपी क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो ताकि मैं पूरी मेहनत से फिर से बिजनेस शुरू करूं और जितना नुकसान हुआ है उसे फायदे में बदल सकूं। गोपी गोपू को मना नहीं कर पाती। इस बार गोपू आलू का बिजनेस करने का प्लान करता है। वो सरपंच जी के पास जाकर एक आलू की बोरी खरीद लेता है। तब सरपंच जी कहते हैं, गोपू घर जाकर इन आलुओं की जरा छटाई कर लेना। गोपू को कुछ समझ नहीं आता, वो बस उन्हें हाँ करके चले जाता है। शाम को आलू की बोरी घर के अंदर रख देता है और सोने चले जाता है। अगली सुबह जब वो देखता है तो सारे आलू अभी भी फ्रेश रहते हैं। तभी चिकी गोपू को खेलने के लिए बुलाती है। गोपू चिकी को मना नहीं कर पाता क्योंकि चिकी ने गोपू को पैसे उधार दिए थे। खेलते खेलते गोपू सब भूल जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो शाम हो चुकी होती है। कुछ देर बाद गोपू को कुछ बदबू आती है, पर वो उन्हें अनदेखा करके सोने चले जाता है। जब वो सुबह उठता है तो घर में सिर्फ बदबू ही बदबू होती है। उसे ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि ये बदबू आलू की बोरी से आ रही है। तभी वहाँ गोपू के पापा आते हैं और उसे बताते हैं,
जिन बोरियों में तुमने आलू रखा था वो गीली थी, जिसकी वजह से पहले कुछ आलू खराब हुए और उनकी वजह से बाकी आलू खराब हो गए। गोपू अब अपने पापा के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो बहुत दुखी हो जाता है। अब वो किसी से बात भी नहीं करता, बस अब हमेशा अकेला ही रहता है। एक दिन वो अकेला पेड़ के पास टहल रहा होता है, तभी वहाँ गोपी आती है और उसे अपने साथ सरपंच चाचा जी के पास ले जाती है। गोपू, मैंने कहा तो था कि घर जाकर आलूओं की छटाई कर लेना। छटाई? छटाई करना क्या होता है और मुझे कैसे पता होगा कि क्या करना है? सरपंच चाचा कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो कुछ बीज लेकर आते हैं और एक प्लेट में रख देते हैं। गोपू को बहुत अजीब लगता है। सरपंच चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? गोपू, मैं इन बीजों के पेड़ बनने का इंतजार कर रहा हूँ। चाचा जी, आपको इतना भी नहीं पता कि जब तक आप इन बीजों को मिट्टी में नहीं डालेंगे, इनसे पेड़ नहीं बनेगा। सरपंच चाचा उस थाली में कुछ मिट्टी डाल देते हैं और फिर से वैसे ही इंतजार करने लगते हैं। गोपू को अब बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, चाचा जी, सिर्फ मिट्टी ही नहीं, इनमें थोड़ी पानी डालिए और थोड़ा खाद, फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। सही वक्त आने पर इन बीजों से पौधे बनेंगे और फिर पौधों से पेड़। गोपू, ये सब तुम्हें कैसे पता? मैंने पिताजी को खेत में फसल उगाते देखा था। हरे पौधे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए एक दिन पापा जी ने मुझे पौधे उगाना सिखाया। तो गोपू, ये बताओ, जो तुमने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी वो तुम्हें किसने सिखाया? वो तो किसी ने नहीं सिखाया चाचा जी। गोपू को अब समझ आने लगता है कि सीखना क्यों जरूरी है। तभी सरपंच जी कहते हैं, बिना सोचे समझे किसी भी काम में हाथ लगाने से नुकसान की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए सबसे पहले तुम कोई काम सीखो जो तुम्हें अच्छा लगता है, ताकि तुम उस काम से बोर ना हो जाओ। फिर जब सही वक्त आएगा तब अपना बिजनेस शुरू कर लेना। और वैसे भी अभी तुम बच्चे हो, तो अपना बचपन एंजॉय करो। बस जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ सीखते रहो। जब सही वक्त आएगा अपने आप तुम्हें बिजनेस की समझ हो जाएगी। सरपंच चाचा जी की बात सुनकर गोपू खुश हो जाता है और उन्हें धन्यवाद कहकर गोपी के साथ अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको गोपू गोपी की और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोस विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। तब तक के लिए बाय बाय।